हाय गाइस, दिस इज ईआर रजनीश कुमार सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने पूरा 10th क्लास का जितने भी मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं वो मैंने डिस्कस कर रखा है, और आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 को। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम लोगों को करना है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को क्या एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों को एच सी एफ फाइंड आउट करना है। दोस्तों, ये हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश मीडियम वालों के भी लिए सेम ही है कि हम लोगों को एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, यानी हम लोगों को मासा निकालना है। दोस्तों, ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला यानी एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन में ये हम लोग को तीन पार्ट दिया हुआ है, 135 और 225 का। हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एच सी एफ निकालना है। दो नंबर सवाल है 196 और 38,220 का भी हम लोगों को क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है। और तीन नंबर सवाल में 867 और 255 का भी हम लोगों को क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एस सी एफ निकालते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 135 और 225। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 125 और 235 का हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। 125 में हम लोग 225 का क्या करेंगे, भाग देंगे। दोस्तों, भाग हम लोगों को तब तक देते जाना है जब तक हम लोगों के पास जीरो या एक ना आ जाए। भाग उस समय तक हम लोगों को देते रहना है जब हम लोग के पास एक या जीरो ना आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 135 में 225 का भाग लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे एक बार में क्या आएगा, 135 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 135 एकम 135। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 0। यहाँ पे आएगा, इसमें से एक हासिल आ जाएगा, ये 12। 12 में से जब 3 जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 9, यानी हम लोगों के पास क्या आ गया, 9। दोस्तों, जो ये 135 है और यहाँ 225 है, ये 90 है और ये जो 1 है, जो 135 है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडेंट, इसको जो 90 है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, और जो 1 है उसको बोलते हैं क्वांटेंट, क्वांटेंट। दोस्तों, जो 125 है उसको बोलते हैं डिवीजर, 225 को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंट, जो 90 है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जो 1 है उसको बोलते हैं क्वांटेंट, जो 1 आया है उसको बोलते हैं क्वांटेंट। दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाजक, इसे हम लोग बोलते हैं भाज, इसे हम लोग बोलते हैं, दोस्तों इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज, इसे बोलते हैं शेषफल, और इसे बोलते हैं भागफल। दोस्तों, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया कि 135 में 225 का भाग लगाया तो हम लोगों के पास जो 90 है रिमाइंडर यानी शेषफल, हम लोगों के पास 90 बच के आता है। उसके बाद ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, फिर 90 में हम लोग 135 का फिर भाग लगाएंगे। इसके पहले दोस्तों एक फॉर्मूला आता है, इसके पहले मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को लिख के दिखाता हूं। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला आता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इज इक्वल टू में होता है डिवाइजर, डिवाइजर इनटू में होता है क्वांटेंट, प्लस में होता है रिमाइंडर। दोस्तों, यही जो फॉर्मूला है इसे, इस वाले फॉर्मूला को ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करके इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है लिक्विड डिवीजन एल्गोरिथम का। दोस्तों, अब इसके आगे वाला जो स्टेप है, इसके आगे वाले स्टेप करेंगे, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज बराबर में भाजक गुना में, भाज बराबर में भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। भाज बराबर में भाजक गुना में भाजक प्लस में शेषफल।
शेषफल। दोस्तों ये हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, इनटू में क्या हो जाता है क्यू, प्लस में आ जाता है आर। ये भी एक फॉर्मूला है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए इज़ टू में बी इनटू में क्यू प्लस में आर। ये हम लोग का निकल के आया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, ए इज़ टू में बी इनटू में क्यू प्लस में आर। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, अब क्या करेंगे इसके आगे वाले स्टेप करेंगे, यानी हम लोग 90 में क्या करेंगे 135 का भाग लगाएंगे। तो 135 यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 90 में 135 का भाग लगाएंगे। यहाँ भी 90 एकम 90 ही होगा, यहाँ पे 90 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 135 में से 90 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 5 में से जब 0 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5, और 13 में से जब 9 जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4। दोस्तों ये हम लोगों के पास क्या आ गया 45, यानी 45 आया है। अभी भी हम लोगों को आगे करना है। क्यों इसके आगे करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि जब तक ये 0 या 1 ना आ जाए तब तक हम लोगों को इसको करते रहना है। फिर हम लोग क्या करेंगे इस वाले 90 को फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर हम लोग 45 में 90 का भाग लगाएंगे। दोस्तों 45 दूना क्या होता है 90 होता है, और ये क्या हो जाता है 0 0, यानी पूरा यह कट जाता है। दोस्तों यहीं तक इसको रहने देंगे क्योंकि हम लोगों के पास 0 0 आ गया है। दोस्तों जो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले पर इन सबको क्या करना है पुट आउट करके देखना है कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा हम लोग का इसमें एचसीएफ निकल के आया है। दोस्तों अभी जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ए इज इक्वल टू में बी इंटू में क्यू प्लस आर होता है, इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे इस सबको रखेंगे। तो देखिए इसमें जो ए है मीन्स इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाज, बराबर में क्या होता है भाजक, गुना में होता है भागफल, भागफल प्लस में होता है शेषफल। दोस्तों जो ये आया है अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या करेंगे पुट आउट करेंगे। थोड़ा वीडियो पॉज कर दो। दोस्तों इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड, बराबर में होता है डिवाइजर, प्लस में इंटू में होता है क्वांटेंट, और प्लस में होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। दोस्तों जो ये आया है अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको रख के देखेंगे। हम लोग पहले स्टेप में करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे ये जो 135 ये 90 और ये क्या आया है उसको हम लोग इस वाले फॉर्म पे रखेंगे, यानी डिविडेंड हम लोग का कितना आया है 225, बराबर में कितना आया है 135 आया है, भाजक बराबर 135 आ गया, इनटू में कितना आ गया इनटू में जो क्वांटिटी है एक आया, और रिमाइंडर कितना आया हम लोग के पास 90 आया। दोस्तों ये स्टेप वन का हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे स्टेप टू में अब इन सबको करेंगे। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे 135 बराबर में क्या रखेंगे 90, इंटू में क्या रखेंगे जो इसका एक वन आया इसको वन रखेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 45। अब क्या करेंगे स्टेप थर्ड में इन तीनों को देखेंगे एक बार, स्टेप थर्ड में हम लोग रखेंगे इसको, यानी 90 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 45 इंटू में 2, प्लस में क्या आ जाएगा 0। दोस्तों मैंने बोला था कि जो जब तक 0 करते जाना है जब तक ये 0 ना आ जाए। दोस्तों 0 के पहले जो आया है यानी 45, यहाँ पे भी देखिए 45 आया है, यही क्या हो गया 135 और 225 का एच सी एफ निकल के आया है। जो यहाँ पे 35 है 35 45 ही दोनों का एच सी एफ निकल के आया है। दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को एच सी एफ फाइंड आउट करना था, जो हम लोगों ने 45 निकाल दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 45 जो हम लोगों का क्या आ गया 45 जो आ गया हम लोगों का क्या है ये आंसर, यानी क्या हो गया हम लोगों का ये एचसीएफ हो गया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।